सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिनका साहित्य प्रकार है यात्रा वृतांत, जिनमें गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है और प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में बताया है। तो इस इकाई के बारे में सबसे पहले हम इस लेखक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस इकाई के लेखक है मोहन राकेश और इस इकाई का साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 ईस्वी सन और निधन सन 1972 में हुआ है। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनके साहित्य में बहुत रुचि थी। यानी कि मोहन राकेश के पिताजी व्यवसाय में वकील थे, लेकिन उनकी साहित्य के प्रति बहुत रुचि यानी कि प्रेम था। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, यानी कि बचपन से ही उनके घर में एक साहित्यिक वातावरण उत्पन्न हुआ था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। यानी कि एमए तक उन्होंने अभ्यास किया और उसके बाद वह डीएवी कॉलेज यानी कि जालंधर में ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया था। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल उनके प्रसिद्ध उपन्यास है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया, यानी कि यह परिवेश उनका जो पुस्तक है उनमें से यह इकाई ली गई है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभव विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अल्पकालीन सौंदर्य इनसे बुलाया ही नहीं जाता। यानी कि इस इकाई में लेखक ने अपने ही अनुभवों का वर्णन यहाँ किया गया है कि वो खुद गुलमर्ग में जाते हैं और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं और उनका अनुभव करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि गुलमर्ग जो है वो अपने में समाया हुआ लगता है। तो सबसे पहले अब हम इस इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँखें एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, क्या कहते हैं, यहाँ उदासीन का अर्थ होगा अनमना। तो लेखक क्या कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जिन्हें हम देखते हैं यानी कि एक बार ही देखते हैं, हमारी आंखें एक बार ही उस जगह को देखती है तो हम क्या आश्चर्य में पड़ जाते हैं, यानी कि हम चौंक उठते हैं, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। यानी फिर धीरे धीरे जैसे हमें उस जगह का परिचय होता है, फिर क्या होता है तो हमारी जो आंखें है वो क्या अनमना यानी कि उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, यानी कि लेखक क्या कहते हैं, लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह है नहीं जिन्हें हम देखते हैं तो उसका जो अनुभव है, उसका जो वातावरण है, उसका सुंदर प्राकृतिक वातावरण है वो हमारे मन को प्रफुल्लित कर देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ,
मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों की घनी झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। लेखक क्या कहते हैं कि जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया तब मुझे वहाँ कुछ ऐसा लगा नहीं, मुझे सब वहाँ असाधारण ही देखने लगा। यानी कि एक खुला सपाट मैदान था और देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था, यानी कि थोड़ी क्षणों में मैं सारा गुलमर्ग देख के आया था। यह झुरमुट का अर्थ होगा पेड़ पौधों का समूह। तो क्या लेखक क्या कहते हैं कि वहाँ मुझे क्या देखने को मिला? तो क्या बहुत से खुला सा सपाट मैदान था और उस मैदान में पेड़ पौधों का समूह था, यानी कि जुर्म पेड़ पौधे थे। बस एक थोड़ी ही क्षणों में मैंने सारा गुलमर्ग देख लिया था। आगे, मगर बाद में मैं महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। देखो, लेखक पहली बार जब गुलमर्ग गए और आए तो वो कुछ ही क्षणों में, यानी कि घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख लिया था। लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद वहाँ गए तो एहसास हुआ, एहसास यानी कि अनुभव हुआ कि पहली बार तो क्या, यानी कि पहली बार तो कुछ नहीं देखा था, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। यानी कि लेखक क्या कहते हैं, पहली बार तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ देखने लायक है ही नहीं, लेकिन जब मैं बाद में जाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि यह गुलमर्ग बहुत ही विशाल है और उसको कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता और मैं पूरा देख नहीं पाया। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान में एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। आत्मीयता यानी कि अपनापन, यानी कि लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहकर हमें गुलमर्ग के साथ हमारी क्या आत्मीयता यानी कि अपनापन जुड़ जाता है, यानी कि धीरे धीरे अपनापन गहरा हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही हम अपने को देखने लगते हैं। कांपती तितलियों, उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह, यानी कैसा वातावरण है देखो, यानी कि तितलियाँ, कांपती हुई तितलियाँ हैं, बादल उठ रहे हैं और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता, यानी कि दूसरा जो विस्तार है गुलमर्ग का उसकी बात की गई है, जो वहाँ स्वयं गुलमर्ग रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता। लेखक क्या कहते हैं, हमें गुलमर्ग के साथ ऐसी आत्मीयता यानी कि ऐसा अपनापन हो गया कि हमें उससे बिछड़ने का मन ही नहीं कर रहा। यानी कि कैसा वातावरण है गुलमर्ग का, यानी कि कांपती तितलियाँ, यानी कि जो तितली है हम उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो क्या कांप कर, यानी कि डर कर भाग जाती है। तो ऐसी तितलियाँ, उठते बादल यानी कि आकाश में जैसे बादल उमड़ाते हैं ऐसे बादलों की बात की, यानी कि बर्फ से चमकती पहाड़ियाँ, यानी कि उसके आसपास की पहाड़ियाँ कैसी हैं तो कि बर्फ से चमक रही है। तो ऐसा वातावरण खूब आह्लादक होता। दूसरी ओर क्या कह रहे हैं कि वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता, यानी कि लेखक अपने आप की बात कर रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं की बात की है और वहाँ का जो वातावरण है उसकी यहाँ वर्णन किया है, और पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है, लेकिन क्या कहते हैं, इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है वह अपने से ही बिछुड़ने का, यानी कि एहसास होता है कि अपने से बिछड़ने
बिछड़ जाएगा। एहसास यानी कि अनुभव होता है अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। क्या कहते हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बन के उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुक्त होकर देखती रहती हैं। है मुग्ध यानी कि मोहित होकर, यानी कि गुलमर्ग में जो अपने सपने हैं जैसे फूल खिलते हैं, ऐसे फूल बनकर अपने मन में सपने होते हैं। और हरियाली के आर पार यानी कि ऐसी हरियाली छाई हुई है, ऐसी हरियाली है, लाल लाल छतों के ऊपर यानी कि आसपास की जो मकानों की छत है वो कैसी लाल है। आगे क्योंकि तो आकाश में यानी कि आकाश में ऐसा दिख रहा है, आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है यानी कि हमारी आंखें क्या मोहित होकर उसे देखती रहती है। और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, जैसे ही सुबह होती है तो सुबह होते ही हरियाली चारों ओर दिखाई देती है और लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है, कोपले यानी कि नई पत्ती यानी कि वातावरण नया नया लगता है। हर क्षण एक नए अनुभव नई रोमांच की सृष्टि होती है, यानी कि हर क्षण ऐसा लगता है कि नया अनुभव होता है, हमें एक नए रोमांच की सृष्टि यानी कि दुनिया मिलती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे, यानी कि क्या है, यानी कि पोर्टिको यानी कि बरामदा, यहाँ बरामदे की बात कही। कैसे, क्योंकि तो जैसे आकाश के नीचे यानी कि आकाश के नीचे लोग हरी हरी घास में क्या अपनी बाहें फैलाए हुए घास पर बैठे दिखते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है, यानी कि पंक्तियाँ का मतलब होता है हमारी लाइन, लाइन उसको कहते हैं सैलानियाँ, यानी कि जो प्रवास में आते हैं वो लोग, यानी कि जो सैलानियाँ आए हैं यानी कि जो लोग थे वो जो इस गुलमर्ग को देखने के लिए आए हैं वो सैलानियों की बात करी है, यानी कि दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। यानी कि क्या कह रहे हैं, लिखे यहाँ दूर दूर तक जो लोग आए हैं यहाँ गुलमर्ग को देखने के लिए वो क्या करते हैं, यानी कि घोड़े पर सवार होकर यहाँ फिर रहे हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके है, यानी कि मानो के कुछ रंग है जो कुछ बिंदु वो हरियाली पर यहाँ तहाँ दिखाई देने लगते हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ते लगती हैं, यानी कि जैसे सुबह होती है और सुबह होते ही जैसे सूर्य की किरणें नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पर पड़ने लगती है तो वह कैसा एक आह्लादक वातावरण लगता है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिखर जाता है, यानी कि वो जो रंगीन जो बिंदु है वो बिंदु जो हो घास यानी कि हरियाली पर पड़ती हो तो चारों ओर रंगीन वातावरण यानी कि रंगीन वातावरण हो जाता, यानी कि कैसा, यानी कि पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, कुहासा यानी कि कोहरा, और मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पंखदंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल विस्तृत और निडर। लेखक क्या कहते हैं, यहाँ की हरियाली ऐसे है जो हरियाली वो कोहरा कुहासे यानी कि कोहरा की बात की गई, कुहासे के फूल में बदल जाता है, मैदान सुर में आभा उड़ देता है, यानी कि चारों ओर मैदान में हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, यानी कि वो एक जैसे उसने कोई सुरमई आभा उड़ ली है। चारों ओर धुंध ही धुंध है, यानी कि हवा में उड़ती हुई धूल चारों ओर दिखाई दे रही है, यानी कि अंधेरा दिखाई दे रहा है। और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, पगडंडिया का अर्थ क्या होगा छात्रा, तो पगडंडिया यानी कि जब हम कोई घास से यहाँ मैदान है और मैदान में घास है हरियाली, तो हरियाली पर जैसे हम बार बार चलते जाएंगे तो उस पर क्या एक मार्ग हो जाएगा, यानी कि वो जो हरियाली है वो बैठ जाएगी और उस पर एक हमें रास्ता दिखाई देगा, यानी कि इसको हम पगडंडिया कहते हैं।
और पतली पतली नरम भाई जब तक बादल बरसेगा, यानी लेखक को कैसा लगता है कि अब बादल बरसने वाला है, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल विस्तृत और विनय। ऐसे ही हम बाहें फैलाकर उस गुलमर्ग में बैठे रहेंगे और हम बादल बरसने का इंतजार करेंगे। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, कैसे, यानी कि जैसे ही सूरज चमकेगा ऐसे एक फूल में एक नया सपना जन्मेगा, यानी कि फूल क्या होगा, खिलेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे, कैसे, कि जैसे सुबह होती है तो सूरज चमकेगा और फूल में एक नया सपना आएगा, और क्या होगा, यानी कि आकाश में जो बादल के नन्हे नन्हे द्वीप है वो कैसे तो के इधर उधर फिरते हमें दिखेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे, यानी कि जो पगडंडी है उस पर क्या तो के भेड़ बकरियों, यानी कि जो भेड़ों और बकरियाँ की बात की गई, यानी कि जो चरवाहा है वो जब भेड़ बकरियाँ लेकर आएगा तो उनकी वजह से यह सारी जो पगडंडियाँ है उस पर वह टेक जाएगा। पगडंडी यानी कि लोगों की लगातार चलने से अपने आप बना रास्ता। आगे दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। तो सभी छात्र यहाँ क्या कहते हैं, लेखक यानी कि जो दिन है तब रात की प्रतीक्षा करता सब, यानी कि दिन को ऐसा लगता है कि कब रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान की वही खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। यानी कि लेखक क्या कहते हैं, वाचाल का मतलब होता है मुखर, यानी कि बातों में। तो लेखक क्या कहते हैं कि जैसे ही यह दिन ढलेगा और जैसे रात आएगी यानी कि शाम हो जाएगी तब यहाँ जो क्या चारों ओर खामोशी छा जाएगी, यानी कि यहाँ का जो वातावरण है वो शांत हो जाएगा। जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, यानी कि दिन के समय में जो यहाँ चहल पहल रहती है, जो सैलानियाँ आते हैं उनकी वजह से यहाँ चहल पहल रहती है और यहाँ का वातावरण प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो बहुत ही प्रफुल्लित रहता है, यानी कि यहाँ जो चहल पहल रहती है वो फिर क्या एकदम वाचाल हो जाती है। जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है जब रात आएगी, यानी कि रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेंगी, यानी कि लेखक अपने अनुभव की बात बता रहे हैं कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेंगी, यानी कि मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। क्या है तो हम आगे देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, लेखक अपनी बात करें कि मैं गुलमर्ग में जहाँ ठहरा था वहाँ एक होटल में जब ठहरा था वहाँ तो होटल की रूम की जो खिड़की है वहाँ खड़ा था। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरे तरफ बढ़ती आ रही थी, यानी कि दूर सामने से एक घटा यानी कि बरसात का जो बादल है उसकी बात की गई है। तो दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरे तरफ बढ़ती आ रही थी, यानी कि लेखक को लगता है कि बारिश का जो बादल है मेरे तरफ आ रहा है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। लेखक कहते हैं कि कब ये बादल मेरे तक आए और मुझे इस बरसती हुई घटा में मुझे लपेट ले, यानी कि मुझे ले ले। बरसती घटा में धीर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है, यानी कि ऐसे बारिश में भीगने की जो मज़ा है वो कुछ और होती है और ऐसी बरसती घटा में धीर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम मुझे मिला है। घटा ऊपर से धीर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था। लेखक को लगता है कि यह घटा मानो ना मानो मुझे घेर लेगी, और उससे कैसे लगता है लेखक को कि मुझे इस बार तो मुझे ऐसा संकेत लग रहा है कि मेरे सामने था, यानी कि जो घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। लेखक जो कैसे खिड़की में खड़े रहकर उस बरसती हुई घटा को बुलाने का प्रयत्न करें, क्या करें, क्या कहते हैं, आ आ आ, क्या कहते हैं लेखक, आ आ आ,
मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। क्या कहते लेखक? मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। परस्ती घटा को लेखक अपनी बाहें फैला कर कहते हैं, ए आ आ आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। अब हम आगे का जो अभ्यास है वो अपनी किताब की पेज नंबर 32 पे करेंगे। तो सभी का ध्यान अपनी किताब के पेज नंबर 32 पे। यानी लेखक घटा को कहते हैं कि मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। लेखक क्या कहते हैं? यानी कि हवा का मतलब होता है पवन। यानी कि हवा बहुत तेज थी लेकिन जो घटा है वो घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। क्या कहें? हालांकि यानी कि यद्यपि तूफान बहुत उठा हुआ है, यानी कि तूफान आ रहा है। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। आपको पता है जब वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु में जब बारिश गिरती है और तब बादल और आकाश में जो जोर जोर की तेज़ी से हवाएं आती है, बहुत तूफान आता है और जोरों की गरज भी होती है और बिजली भी होती है। तो लेखक कहते हैं जैसे ही जोरों की गरज होती थी और जिसकी वजह से धरती और आकाश की सिराएं क्या हो जाती थी, तो कि कांप, यानी कि धरती और आकाश कांप उठते थे। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली क्रोधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता। लेखक क्या कहते हैं कि ऐसी तूफानी हवा चल रही है और बार बार गरज जोर की गरज होती है जिसकी वजह से आकाश और धरती की सिराएं कांप उठती है और जैसे बिजली आती है, यानी कि बिजली भी कुंदती थी, यानी कि उसकी वजह से एक प्रकाश का वह भयानक विस्फोट लगता था जो हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। लेखक का कैसा लगता है कि अब थोड़ी ही देर में इस बरसती हुई घटा की बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी और बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। यानी कि जो बिजली हो रही है वो बिजली मेरे ऊपर टूट पड़ेगी और जो बारिश की बूंदे है वो मेरे ऊपर गिरेगी। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। यानी कि अपनी दोनों हाथ ऊपर करके बाहें फैलाए हुए लेखक उस बरसती हुई बूंदे को, यानी कि बिजली का कहर है और जो घटा है, जो बूंदे आने वाली है, जो बारिश आने वाली है, उसको अपने में लेने के लिए वो तैयार थे। मगर अचानक हवा रुक गई। क्या कहते हैं? मगर अचानक हवा रुक जाती है। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। ठिठकना यानी कि रुकना, यानी कि जो बढ़ता हुआ तूफान जो आगे आ रहा था वो वहाँ रुक जाता है और दूर ही पर कटी पक्षी की तरह दम तोड़ देता है। जैसे कोई पक्षी को कोई घायल करता हो और जैसे वो दम तोड़ देता है, इसी तरह यह जो बादल है, जो घटा है, यानी कि बढ़ता हुआ जो तूफान, वहाँ ठिठक गया यानी कि रुक जाता है और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगता है। दम तोड़ना यानी कि मर जाना। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, यानी कि बिजली अब रुकने लगी है, इसके साथ साथ मेरी सांस भी रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। यानी कि मेरा जो सपना था कि अभी थोड़ी ही क्षणों में मैं अपनी बाहों में इस बरसती हुई बूंदे को लूँगा और उसका आनंद लूँगा, अब वह लेखक को जैसी हवा रुक जाती है तो उसको क्या लगता है कि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊँचे आसमान से नीचे आना पड़ा। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी जोम, यानी कि तूफान का जोर भी उतर जाता है, उसके साथ साथ मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका, यानी कि आज तक मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं, यानी कि ऐसे जो क्षण थे वो मेरे जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते। यानी कि गुलमर्ग जो ऐसा है
जो उसे एक बार देखते ही अपने मन में इसकी छवि अंकित हो जाती है और बार बार उसे देखने को मन करता है। यानी कि गुलमर्ग में रहते हुए हर क्षण किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य, तभी तो मुदत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर कहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए? अंत में क्या है तो वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान है और दूसरा क्या है? लेखक कहते हैं कि क्या वहाँ लोग गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं, ऐसा लेखक यहाँ बता रहे हैं। तो जो लेखक है, लेखक ने यहाँ गुलमर्ग का जो इस इकाई में जो गुलमर्ग के जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन किया है, पहले जब मुलाकात लेते हैं तो पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था। बस वहाँ क्या था, एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्षों के घने झुरमुट। फिर उसके बाद महीनों वहाँ रहने पर उसको लगता है कि कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता हो गई और उसे लगने लगा जैसे वह भी वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा है, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य और अपने में समाये हुए प्रतीत हुए। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा जिनका वर्णन हमें इस इकाई में किया गया है, तो गुलमर्ग में हरियाली ही की भरमार है, नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं, हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं, सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। हमें गुलमर्ग की शाम के बारे में भी बात की, फिर से हम उसको देखते हैं तो गुलमर्ग की शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है, यानी कि बर्फ गिरने का शुरू हो जाता है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं, जैसे शाम होती है तो हरियाली कुहासे में ढकने लगती है और मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। दूध में पगडंडियाँ पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है। अब दिन के सूर्योदय होने पर क्या परिवर्तन होता है, तो सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है, आकाश में बादल और सैर करते नजर आते हैं, भेड़ों और बकरियों के रेवड़ियों से पगडंडियाँ भर जाती है और रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। अंत में लेखक की हमने बात की कि एक रात का अविस्मरणीय अनुभव, जिसमें लेखक ने बताया है कि एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़ा था, दूसरे सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुँच कर उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेखक कहता है कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है, लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहाँ नहीं आते। तो सभी छात्र, इस इकाई के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इस इकाई को आपको अच्छी तरह से समझना है और इस वीडियो को देखने से पहले आपको अपनी किताब अपने साथ में लेकर बैठना है और जहाँ शब्द के अर्थ है वो अर्थ को आपको लिखना है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और इस इकाई को आपको समझना है। यह इकाई बहुत ही अच्छी है, जो यहाँ गुलमर्ग के कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान यहाँ बताया गया है और उसका यहाँ वर्णन लेखक ने बताया गया है और इस लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में बताया है। तो यहाँ हमारी इकाई पूर्ण होती है। अब हम शब्दार्थ के बारे में समझेंगे। तो गुलमर्ग यानी कि कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान। तिगलिया का मतलब होता है तिहारा, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, रोमांचक
यानी कि आनंद देने वाली या तो हर्षित करने वाली, पोर्टिको यानी कि बरामदा, रेवड़ रेवड़ का अर्थ होगा झुंड, कहर यानी कि हत्याचार और दम तोड़ना यानी कि मर जाना। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? उत्तर है, गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। दूसरा प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? उत्तर, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। तीन, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? उत्तर है, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। चौथा है, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? उत्तर, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। आगे, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? उत्तर, लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसकी बराबर नहीं हो सकी। आगे, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? उत्तर, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो उत्तर है, गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछड़ने का अनुभव होता है। दूसरा है, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? उत्तर, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है, दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। तीसरा प्रश्न है, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? उत्तर, सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। चार नंबर है, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? उत्तर, लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा के धीर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँच छः वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? उत्तर है, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वहाँ उसके भीतर समा जाता है, आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है,
धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंग फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण एक नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियां भेड़ बकरियों की रेवड़ से ढक जाती। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। उत्तर, गुलमर्ग प्रकृति का क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढकी पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगाने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी क्रोधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली आर पार लाल लाल छतों के सामने छतों के ऊपर आकाश में। तो उसका उत्तर है, गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। दूसरा, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। उत्तर, मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंग कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदे गिरने लगी और सैलानी उठकर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह दृश्य किस समय का है? तो यानी कि संध्या काल का, सायंकाल का है। प्रश्न नंबर 6, उसमें पहला है, उचित उपसर्ग जोड़कर उनकी विरोधाधी शब्द बनाइए। यानी कि उपसर्ग हमें लगाना है। तो पहला शब्द है साधारण, तो उसमें हम अ उपसर्ग लगाए तो उसका अर्थ होगा असाधारण। दूसरा शब्द है मान, उसमें हम अप उपसर्ग लगाए तो उसका अर्थ होगा अपमान। उदार का अर्थ होगा अनुदार। रंग का अर्थ है बेरंग। और स्मृति यानी कि विस्मृति। इस तरह हम आगे उपस्वर्ग लगाकर उसकी विरोधाभास शब्द बनाना है। दूसरा है, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। पहला है सुरमा, तो उसका विशेषण होगा सुरमई। दूसरा बरसात, उसका है बरसाती। तूफान, तो तूफानी। चमक, तो चमकीला या तो चमकदार। आगे विस्फोट, यानी उसका अर्थ होगा विस्फोटक। तीसरा है, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। तो पहला है लाल, तो उसकी संज्ञा होगी लालिमा। आगे खामोश, तो खामोशी। कमजोर, तो कमजोरी। और आगे आकर्षक, तो आकर्षण। आगे है प्रश्न नंबर 7, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पहला है विस्फोटक, तो उसका किसी पदार्थ का तेज आवाज के साथ फटना, यह उसका अर्थ है। अब उसका वाक्य प्रयोग होगा, बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। दूसरा है आकर्षण, तो उसका अर्थ है खिंचाव। वाक्य, तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। आगे है पारदर्शक, तो उसका अर्थ है आर पार दिखाई देने वाला। वाक्य, घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। 4, रोमांचक, उसका अर्थ है रोंगटे खड़े कर देने वाला।
वाक्य, जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। तो सभी छात्र, यहाँ हमारे स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं इनके बारे में हमने चर्चा की है। तो आपको इस स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुनना है। अब सभी छात्र, इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, इस वीडियो में हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और सुनना है और इस इकाई को समझना है। यदि आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमारा इस इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, उसका वीडियो यहाँ पूर्ण होता है। जय हिंद, जय जै